हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सनसनी। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट खाने के क्या क्या फ़ायदे हमारे शरीर में पहुँचते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अंकुरित अनाज खाने के वो चमत्कारी फ़ायदे, अंकुरित अनाज को आप कैसे बनाएंगे, अंकुरित अनाज की दो मेरी फेवरेट रेसिपी और हमें अंकुरित अनाज कितना और कब खाना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंकुरित अनाज वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छी डाइट है क्योंकि ये कम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जिसका मतलब ये है कि इसमें वो सभी अमीनो एसिड होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन मसल बनाने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अंकुरित अनाज में आपको आयरन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के साथ साथ काफ़ी न्यूट्रिशन आपको अंकुरित अनाजों में मिल जाते हैं। अंकुरित अनाज हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत करता है जिसके कारण हम काफ़ी बीमारी से बच जाते हैं। अंकुरित अनाज डायबिटीज पेशेंट के लिए भी एक रामबाण इलाज माना गया है। ये मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। अंकुरित अनाज हमारे बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि अंकुरित अनाज में हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है जो हमारे बालों को हेल्थी रखने में काफ़ी मदद करता है। अंकुरित अनाज वजन कम करने में काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसको खाने के बाद हमारा पेट काफ़ी देर तक हैवी रहता है और हमें भूख कम लगती है। अंकुरित अनाज हमारे त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसका रोज़ सेवन करने से हमारी त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती है और हमारे चेहरे पर चमक बनी रहती है। अंकुरित अनाज बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने एक चौथाई कप मूंग दाल और आधा कप काले चने लिए हैं। इसको अब एक बड़े बर्तन में पानी में भिगोकर 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। आप चने और मूंग दाल को एक साथ भिगोकर भी रख सकते हैं। 8 से 10 घंटे के बाद इसमें जो पानी है वो निकाल देंगे और इन दालों को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब हमें दो कॉटन के कपड़े चाहिए जिसमें हम इन दोनों दालों को अच्छी तरह से बांध कर 24 घंटे के लिए रख देंगे। 2 से 3 बार बीच बीच में हम इन पर पानी का छींटा भी देते रहेंगे। 24 घंटे के बाद हमारा जो अंकुरित दाना है वो बनके तैयार हो जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर हम इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपसे जो मेरी दो फेवरेट रेसिपी है वो शेयर करूँगा। मेरी पहली रेसिपी है वो है मीठे वाली। इसमें सबसे पहले मैं 4 बड़े चम्मच अंकुरित दाना जो हमने बनाया है वो लूँगा। उसके बाद मैं इसमें 10 से 15 दाने किशमिश के ऐड कर दूँगा। किशमिश ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 से 3 खजूर ऐड करूँगा जो कि मैंने बिना बीज के ली है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा तो मेरी पहली रेसिपी बनके तैयार है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब मैं आपसे अपनी दूसरी रेसिपी शेयर करूंगा जो कि बहुत ही चटपटी है। उसके लिए सबसे पहले मैं 4 बड़े चम्मच अंकुरित दाना लूंगा। उसके बाद मैं इसमें आधा कटा हुआ प्याज और आधा कटा हुआ नींबू ऐड करूंगा। अगर आप चाहें तो इसमें आधा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये रेसिपी बिना नमक के बनाई है क्योंकि मैं इस रेसिपी में नमक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें चुटकी भर नमक मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो मेरी रेसिपी बनके तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। अंकुरित अनाज हम रोज 4 बड़े चम्मच तक खा सकते हैं। सबसे अच्छा समय है इसको सुबह नाश्ते में खाने का। आप सुबह इसको नाश्ते में 4 बड़े चम्मच अंकुरित अनाज के खा सकते हैं, या फिर आप दोपहर को जो खाना खाते हैं उससे 1 घंटा पहले जो सैलड खाते हैं उसकी जगह भी आप अंकुरित अनाज को खा सकते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि अंकुरित अनाज खाना हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।